so many pieces up back together now. What's your vision? Hello friends, welcome to my channel fashinornate and मैं हूँ गीतांजलि. So आज का जो video है ये थोड़ा सा special है क्योंकि ये video है Yes, so जो मेरे बर्थडे गिफ्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ करूंगी शेयर कि मुझे बर्थडे पर क्या क्या मिला है एंड कैसे कैसे गिफ्ट्स मिले हैं. तो आप लोग भी एक्साइटेड हो मेरे साथ मेरे गिफ्ट्स को देखने के लिए, मतलब मैंने तो ऑलरेडी देख ली है पर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी. तो अगर आप लोग एक्साइटेड हैं मेरे गिफ्ट देखने के लिए सो देखिएगा इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एंड देखिएगा मुझे कैसे कैसे गिफ्ट्स मिले हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए या फिर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आपको करना है मेरी वीडियो को लाइक, शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब रेड कलर बटन को प्रेस कर. उसके बाद एक बेल बटन कराइए उसको भी टच कर दीजिएगा ताकि मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो फ्रेंड्स, मैंने जो अपना बर्थडे ब्लॉग शेयर करा था उसमें मैंने लास्ट में आपको अपने एक दो गिफ्ट दिखाए थे. सारे नहीं दिखाए थे क्योंकि मैंने सारे ओपन भी नहीं करे थे तो मैंने सिर्फ एक दो दिखाए थे. तो उसमें फर्स्ट गिफ्ट जो है वो यही है, ये है वॉच. एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारी सी वॉच है और इसको गिफ्ट करा है मेरी सिस्टर ने, मेरी छोटी सिस्टर है उसने मेरे को ये गिफ्ट करा है. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है क्योंकि मुझे इसी टाइप की सिंपल सी वॉच चाहिए थी ताकि मैं उसको डेली वेयर कर सकूँ. और अब मैं इसको पहन ही लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ पहने कैसी लगेगी. इसका लुक कुछ इस तरह से आता है. तो मैं इसको अपनी जॉब पे और सिंपली अगर मार्केट पर के जा रहे हैं और ज़्यादा हैवी ज्वेलरी मुझे पसंद भी नहीं है तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं वेयर करती हूँ, सिर्फ ये वेयर करती हूँ तो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड यस, वॉच है तो टाइम के लिए तो है ही. तो मुझे एक ये वॉच पसंद आई और एक गिफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट है. एंड वॉच आप लोगों को पता ही है कि वॉच अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा ही माना जाता है. तो ये मेरा था फर्स्ट गिफ्ट मेरी सिस्टर की तरफ से. एंड फ्रेंड्स, जो सेकंड गिफ्ट है वो है ये मोबाइल कवर. और ये भी मेरी सिस्टर ने ही मेरे को गिफ्ट करा है और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा रेड कलर है और बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है मेरे फ़ोन पर क्योंकि मेरा फ़ोन का कलर जो है वो है वाइट एंड ये है रेड और रेड कलर मेरा फेवरेट है. तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और उस पर किटी बनी हुई है. तो एक ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्ट है मेरी सिस्टर की तरफ से कि उसको पता था कि मुझे मोबाइल कवर चाहिए और मैं ले नहीं रही थी. पता नहीं क्यों नहीं ले रही थी क्योंकि मेरे फ़ोन का कवर इतना ख़राब हो गया था, बस मैं उसको चला रही थी जैसे भी करके. तो एक ये है बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसको बस मैं अभी अपने फ़ोन में लगा लूँगी. इनफैक्ट मैंने लगा भी लिया था और फिर अभी दोबारा निकाला है वीडियो शूट करने के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए. तो फ्रेंड, सेकंड गिफ्ट है मेरा ये और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये वाला गिफ्ट. एंड यस, जब आपको कोई चीज़ गिफ्ट में मिले और वो आपकी यूज़फुल हो और आपकी यूज़ की हो तो आपको और भी ज़्यादा स्पेशल और बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि गिफ्ट जो होते हैं कुछ ऐसे आइटम्स जो आप यूज़ नहीं कर सकते तो उनका गिफ्ट होना बेकार है क्योंकि आप उनको यूज़ ही नहीं करोगे. बट अगर ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ भी कर सको और आपको पसंद भी आए तो वो एकदम स्पेशल गिफ्ट होते हैं. तो मेरे दो गिफ्ट हैं ये. एंड फ्रेंड यस, थर्ड जो गिफ्ट है वो है एक फ़ोटो फ्रेम. यस, मेरे कज़िन है, उसने मुझे एक फ़ोटो फ्रेम दिया है ये वाला. मैंने आपको दिखाया था अपने बर्थडे ब्लॉग में ये और इसने मेरी फ़ोटो भी नहीं निकलवाई. मतलब बोल रहा था कि मैं फ़ोटो निकलवा के दूंगा पर फोटो अभी तक आई नहीं मेरे पास, शायद नेक्स्ट बर्थडे तक आ ही जाए. तो इसलिए मैंने अपनी ही फ़ोटो लगा ली है ये. और ये भी सही है काफ़ी क्योंकि मेरे जो रूम का कलर है उससे मैच कर रहा है तो अच्छा है. एंड इसको मैंने निकाल भी लिया है, इसको मैं यूज़ भी कर रही हूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा गिफ्ट है. बट उसने मुझे फ़ोटो फ्रेम भी दिया है. वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ क्यों क्यों दिया है ये, ठीक है बट अच्छा है, थैंक यू. और फोटो तो अभी तक आया नहीं है, पता नहीं देखो कब तक देता है, देता भी है नहीं देता है. तो बोल रहा था कि अब तो बर्थडे हो गया ख़त्म एंड अब गिफ्ट भी हो गया ओवर, अब नहीं मिलेगा कुछ, देखते हैं क्या होता है. सो थर्ड गिफ्ट जो था मेरा वो था ये फोटो फ्रेम एंड यस आई लाइक इट, थैंक यू. फ्रेंड, अब जो गिफ्ट है वो है मेरे भाई की तरफ से. यस, मेरे भाई की तरफ से. एंड इसने जो मुझे गिफ्ट दिया है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है मेरे लिए क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए था. इनफैक्ट मैंने उसको बोला था, बहुत सारे ऑप्शन दिए थे उससे मेरे को, तो मैंने चूज़ करा था उसमें से कि वो मेरे को क्या गिफ्ट करे. तो उसने मेरे को गिफ्ट जो करा है वो करा है ये. और ये जो है ये ब्रश सेट है और मैं आपको दिखा देती हूँ कितने ब्रश मिलेंगे. और मुझे चाहिए भी था, मैं ब्रश ले भी नहीं रही थी काफ़ी टाइम से. मैं अभी सोच रही थी कि कब लूँ तो उसको मैंने बोला था एंड उसको याद रहा तो मुझे लिए ऑर्डर कराया ये. तो यस, इतने सारे ब्रशेज हैं इसमें. ये जो है ये फेस ब्रशेज हैं एंड ये जो है ये आई ब्रशेज हैं. इतने सारे ब्रशेज हैं और ये तो मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं. और बताइए, मेकअप ट्यूटोरियल में कोई बनाऊँगी तो इनको यूज़ करके मैं ज़रूर बताऊँगी एंड आप लोगों का शेयर भी करूँगी इनकी क्वालिटी है कैसी. तो अगर आप लोग इसको मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं या नहीं मंगा सकते हैं या पैसे वेस्ट हैं
या वर्थ हैं, तो जो भी बात होंगी वो मैं उसको पहले यूज़ करूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे हैं ये। बट देखने में बहुत ज़्यादा प्यार लग रहे हैं क्योंकि इनका जो कलर है वो पिंक है, एंड यस पिंक कलर तो हर लड़की को पसंद भी होता है, मुझे भी पसंद है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल वाले गिफ्ट है, मतलब मुझे सारे गिफ्ट जो मिले हैं ना वो ऐसे मिले हैं जिनको मैं हमेशा यूज़ कर सकती हूँ, मतलब हमेशा तो नहीं, हाँ कुछ टाइम तक तो यूज़ मैं कर ही सकती हूँ। तो थैंक यू। सो फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट गिफ्ट है वो है मेरे भाई की तरफ से, एंड यस वो है ये है इयररिंग्स, एंड यस ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, और सिल्वर ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे पास थी भी नहीं, मतलब मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, तो मैंने जब नेट पे देखा तो मैंने उसे बोला था कि मेरे को तो ये गिफ्ट कर देना, चूज़ मैंने करा है, बस उसने लेकर मुझे रैप करके दिया है। तो यस पसंद जो है वो मेरी है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, एंड इनसे मैं कुछ ना कुछ तो लुक क्रिएट कर ही लूँगी। उसने मुझे एक ये भी दिए हैं इयररिंग्स, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब इनको हम कैजुअली भी पहन सकते हैं, कभी कुर्ती वगैरह पहने तो उस पर वाइट कलर की कुर्ती बहुत ज़्यादा प्यार लगने वाले हैं। तो एक ये मिले हैं मुझे गिफ्ट में। तो यस फ्रेंड्स जो सेकंड गिफ्ट है वो भी मेरे भाई की तरफ से ही है, और क्योंकि मैंने घर घर में बर्थडे पर सेलिब्रेट करा था तो सिर्फ मेरे कज़न थे एंड मेरी फैमिली थी, तो जो भी गिफ्ट है सारा उनकी तरफ से ही है और अच्छे हैं सारे गिफ्ट। तो नेक्स्ट गिफ्ट जो है मेरा, तो नेक्स्ट गिफ्ट है मेरा ये, एंड ये भी इयररिंग्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे वाले इयररिंग्स हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं ये, और कोई भी ऐसे फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, शादी हो, उसमें हम इसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, किसी लहंगे वहंगे के ऊपर। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कैसे लगेंगे ये। फ्रेंड नेक्स्ट थे ये मेरे इयररिंग्स, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और इसका जो वर्क है ये बीच में जो है ये सिर्फ बीड्स हैं, मतलब बोल सकते हैं आप, और बस नीचे गोल्डन वर्क है, तो ये किसी भी आउटफिट के साथ जिसमें हल्का सा भी गोल्डन है या फिर हल्की सी शीन है गोल्डन कलर की, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो मैं इसको भी कहीं ना कहीं ट्राई कर ज़रूर करूँगी, किसी ना किसी ड्रेस पर मैच ज़रूर हो जाएगा ये। एंड फ्रेंड्स जो मेरी नेक्स्ट इयररिंग है वो है ये, एंड ये एक हूप इयररिंग्स हैं, और मेरे पास ये नहीं थे, मतलब जब काफ़ी पहले थे और वो ख़राब हो गए थे, तो मुझे ये भी चाहिए थे, तो मैंने उसको ये भी बोला था कि ये भी ऑर्डर कर देना, तो उसने ये भी ऑर्डर कर दिए हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं, इसको भी किसी न किसी पे तो मैं ट्राई करूँगी ही ज़रूर, और मुझे चाहिए थे इस टाइप के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, और इसे आप किसी भी पहन सकते हो, मतलब आप सूट पे पहन सकते हो, ड्रेस पे पहन सकते हो, जीन्स पे पहन सकते हो, शर्ट पे पहन सकते हो, टी शर्ट पे पहन सकते हो, किसी पे भी पहन सकते हो, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो एक ये है मेरे गिफ्ट। सो फ्रेंड्स उस भाई ने दिया था मुझे इतना, बस पसंद दिया था उसने मुझे, एंड अब जो मेरा गिफ्ट आने वाला है वो मुझे दिया था मम्मी ने, एंड यस वो जो ऑर्डर आया था वो मेरे बर्थडे के बाद ही आया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी ने मेरे को क्या क्या दिया है। सो फ्रेंड्स मम्मी ने जो मेरे को गिफ्ट करा है वो करा है मुझे यस ऑब्वियसली मेकअप, यस तो उन्होंने मुझे चॉइस दी थी कि आप या मेकअप किट ले लो पूरी, या फिर कुछ मेकअप ले लो, मतलब मेकअप स्टोरेज ले लो या फिर मेकअप ले लो, तो मैंने क्या मेकअप ले लेते हैं, स्टोर तो हम कर ही लेंगे कहीं ना कहीं, तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे को कर दें मेकअप प्रोडक्ट्स गिफ्ट, एंड यस सेलेक्ट मैंने ही करे हैं ऑब्वियसली, बस उन्होंने मेरे को गिफ्ट करा है, एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सेलेक्ट करा है और मम्मी ने मुझे क्या क्या गिफ्ट करा है। सो फ्रेंड्स फर्स्टली जो करा था मम्मी ने मेरे को गिफ्ट, यस मेरा गिफ्ट है तो वो है प्राइमर, और ये है ब्लू हेवन का प्राइमर। तो फ्रेंड्स एक ये है प्राइमर, क्योंकि मुझे प्राइमर चाहिए थे, और जब गिफ्ट होता है और अगर आपको छूट मिली आप कुछ भी ऑर्डर कर दो तब तो आप करोगे ही, मतलब मैं तो करूँगी ही, तो इसलिए मैंने एक ये ऑर्डर करा था, और मुझे ट्राई भी करना था कि ब्लू हेवन का प्राइमर ये है कैसा, मैं ट्राई नहीं करता उसको कभी भी, इसलिए मैंने ये ऑर्डर करा है देखने के लिए कि इसकी वर्किंग है कैसी, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी फिर कभी इसको यूज़ करने के बाद। एंड फ्रेंड सेकेंड जो है सेकेंड भी वो प्राइमर है, और प्राइमर है ये, तो फ्रेंड ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर, और मुझे ये भी चाहिए था तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया, एंड काफ़ी अच्छा, मतलब लैक्मे तो खुद में ही इतनी ट्रस्ट वाली ब्रांड है और सभी यूज़ करते हैं इसको, और ऑब्वियसली मेरे पास नहीं था तो मैंने ये भी मंगवा लिया था देखने के लिए कैसा है और कैसा नहीं है। तो एक ये है प्राइमर। तो फ्रेंड्स अगर प्राइमर ऑर्डर करा है और आप फाउंडेशन ऑर्डर नहीं करो तो आप सबसे बड़े वाले बेवकूफ़ हो, जो कि मैं नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर करा था वो मैंने ऑर्डर करा था मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन, यस, और ये क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो ये है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, और मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा, मतलब मैंने सुना था इसके बारे में, मैं इसको बहुत टाइम से लेने वाली थी, बहुत टाइम से, बट पता नहीं कि मैंने इसको नहीं लिया, बट अब ले लिया। तो एक मैंने ये लिया है, और इसमें जो मेरा शेड है वो है, यस तो इसमें जो मेरा शेड है वो है 115,
यहीं पे लिखा है 115, तो एक मैंने ये लिया है। एंड यस, मैं इन सारे चीज़ों को यूज़ करके सोच रही हूँ कि एक लुक क्रिएट करूँ, तो वो जल्दी ही मिलेगा आपको। तो इसके लिए आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, यस, ताकि कभी भी मैं अपडेट करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे एंड आपको पता चल जाए कि इन सब चीज़ों को यूज़ करके जो लुक आ रहा है वो लुक कैसा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, जो सेकंड है, तो फ्रेंड्स सेकंड मैंने प्रोडक्ट लिया है तो वो लिया है मैंने फाउंडेशन। एंड यस, और ये है लिया है मैंने लोरियल मैट मैजिक फाउंडेशन। और इसको भी मैं बहुत टाइम से लेने वाली थी क्योंकि इसके बारे में भी मैंने अच्छा सुना है कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये, बट मुझे इसमें जो डाउट लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये जो शेड है ये मेरे स्किन टोन से डार्क शेड है, तो पता नहीं मैं इसे क्या करूँगी। बट यस, इसमें SPF 11 है, PA++ है। बस मुझे इसके शेड में गड़बड़ लग रही है कि मुझे लग रहा है कि इसका शेड जो है मेरे स्किन टोन से डार्क है, पता नहीं। तो यस, एरिया है मैंने ये वाला फाउंडेशन। एंड ये जो आपको कवरेज देता है ये मीडियम टू फुल कवरेज देता है, तो मैं इसको ट्राई करूँगी, देखूँगी कि लग रहा है मेरा शेड है या नहीं, पर मुझे डाउट लग रहा है कि ये शेड एक ना एक डार्क आ रहा है। तो यस, तो एक था ये। तो फ्रेंड्स, जो मेरा नेक्स्ट गिफ्ट है वो है फाउंडेशन, नहीं कि फाउंडेशन दो मंगवा लिए थे तो मैंने सोचा कि अब ज़्यादा फाउंडेशन नहीं मंगवाते, तो अब मैंने जो मंगवाया है वो मैंने मंगवाया है पॉन्ड्स की बेबी क्रीम। ये मेरी फिनिश हो गई थी और बस मैंने इसको ऐसे मंगवा लिया था कि फिनिश हो गई थी, और कभी आप सिंपली नॉर्मल से पार्टी वार्टी में जाओ, बर्थडे वगैरह में जाओ तो ठीक रहता है, और गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा सही कवरेज देती है ये, और ज़्यादा हैवी भी नहीं लगती आपके फेस पे। तो मैंने एक ये मंगवाया है पॉन्ड्स की बेबी क्रीम। फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने मंगवाया है जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, यस, बट चाहिए था मुझे तो मैंने मंगवा लिया, तो मैंने मंगवाया है एक लोरियल का काजल। तो ये है एकदम सुप्रीम ब्लैक, और एकदम ब्लैक काजल है ये। तो मैंने सोचा कि ना कभी मन करता है काजल लगाने का, या फिर लाइनर लगाने का मन नहीं करता, या कुछ भी ऐसा लगता है कि आप चलो कुछ डिफरेंट लुक ट्राई करो, तो इसके लिए मैंने एक काजल मंगवाया। वैसे मैं नॉर्मली काजल बहुत ज़्यादा कम वेयर करती हूँ, बट फिर भी मैंने इसको मंगवा लिया। अब मम्मी कह रही थी ऑर्डर कर दो, तो मैंने कर लिया कुछ भी, तो एक मैंने ये मंगवाया, बट यूज़ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यूज़लेस ही यूज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मैं इसको डेली वेयर करती हूँ, और गर्मियों में तो मतलब बेस्ट फ्रेंड है एक तरह से। तो एक ये है न्यूट्रीजेना की सनस्क्रीन। इससे पहले जो थी मेरे पास वो लैक्मे की थी, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब आप मेकअप लगा रहे हो या फिर मेकअप की आप शॉपिंग कर रहे हो, कॉस्मेटिक की शॉपिंग कर रहे हो, और अगर आप सनस्क्रीन ना लें वो भी गर्मियों में, तो यस, आप अगेन भी अगर आप मेकअप ले रहे हो या कॉस्मेटिक ले रहे हो, मेकअप अप्लाई कर रहे हो या फिर कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर करें। एंड मैं बस डेली अपनी सनस्क्रीन ही अप्लाई करती हूँ, तो इसलिए ये तो मेरे लिए एकदम बेस्ट वाला गिफ्ट है ये वाला। तो फ्रेंड, इसके बाद जो गिफ्ट है, मतलब मेरी पूरी मेकअप किट का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरा गार्नियर मिसलर वाटर। जो मेरा पुराना वाला था वो मैंने हाफ कर दिया, रिमूव कर करके मेकअप, तो मैंने एक ये भी मंगवा लिया कि चलो एक स्पेयर होना चाहिए ताकि कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए और ख़त्म हो जाए एमरजेंसी में, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने मंगवाया है एक ये गार्नियर मिसलर वाटर। एंड यस, इसका मैंने फुल रिव्यू एंड डेमो कर रखा है, उसकी जो वीडियो है वो मिलेगी आपको मेरे ही चैनल पे, यस, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं इसको दोबारा ऑर्डर करा है। यूज़फुल है काफ़ी, मेकअप करते हैं तो मेकअप रिमूव भी तो करना पड़ता है, तो उसके लिए तो एक है ये। एंड फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा मेरी मेकअप किट में, वो है मेरा, मुझे बस ट्राई करना था इसके बारे में कि ये है कैसा अगेन। तो मैंने इसको मंगवाया है, ये है लैक्टोकैलामाइन ऑयल बैलेंस लोशन और ये मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली, तो मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जो काफ़ी अच्छा हो, जिसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हों, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्थी हो, तो मुझे भी यूज़ करना है कि सच्ची में ऐसा है या नहीं है। तो एक मैंने ये मंगवाया है, इसको मैं यूज़ करूँगी, शायद ऑयल कंट्रोल हो जाए। एंड फ्रेंड, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये, इसके बिना तो मतलब मेकअप नहीं कर सकते हम, मतलब मैं तो नहीं कर सकती, तो यस, वो है ये ब्यूटी स्पॉन्ज और अ ब्यूटी ब्लेंडर। ये है पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर, और इसमें दो कलर थे, एक ऑरेंज था और एक था ग्रीन, तो मैंने ग्रीन ऑर्डर करा है क्योंकि रेड और ग्रीन मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर करा है। एंड इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, बट इसके अगेन रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे यूज़ करना था क्योंकि मेरा पुराना वाला ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और थोड़ा पुराना भी हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ न्यू ट्राई करा जाए, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर करा है। एंड देखते हैं कि कैसा वर्क करता है, कैसा वर्क नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा सिर्फ इतने से गिफ्ट हैं। एंड जो चॉकलेट्स मिली थी वो मैंने खाली और फिनिश भी करती हैं सारी, तो वो तो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं सकती, तो वो सब हो गई सारी फिनिश। चॉकलेट्स थी, चॉकलेट्स मिली थी मुझे,
एंड बस इतने से ही मुझे गिफ्ट मिले, ज़्यादा गिफ्ट नहीं मिले हैं मुझे। और मतलब जो भी है वो सारे अच्छे हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। अपने गिफ्ट ऐसे नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहे, मुझे सारी चीज़ें अपनी पसंद आ रही हैं और काफ़ी यूज़फुल भी हैं। और यूज़फुल होना तो अच्छी बात है ना, कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो यूज़फुल होना चाहिए। तो इसलिए मुझे सारे प्रोडक्ट्स अपने बहुत पसंद हैं और गिफ्ट मुझे बहुत पसंद है। एंड थैंक यू सबने जिन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिया है। एंड यस, वो मेरी वीडियो ज़रूर देखते हैं, सो थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड्स, तो अगर इतनी सी ही है वीडियो, छोटी सी, एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपको करना है मेरी वीडियो को लाइक, शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, रेड कलर के बटन को प्रेस कर कर। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। आई विल फाइंड अ लाइट इन योर सोल, आई विल बी